नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेली के अंदर जो हमने कंपनी क्रिएट की हुई होती है उसमें जो वाउचर की एंट्री की हुई होती है उसका ऑटो बैकअप कैसे लें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पहले ये जान लेते हैं कि ऑटो बैकअप होता क्या है। दोस्तों, टेली में जो हमने कंपनी बनाई हुई होती है उसका बैकअप टेली सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेता है, या फिर टेली सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हमको पूछेगा आपको ये बैकअप लेना है कि नहीं। तो टेली जो अपने आप बैकअप ले लेता है उसे ऑटो बैकअप कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं टेली के अंदर ऑटो बैकअप के बारे में बताऊँ उससे पहले हमें एक TDL के बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों, TDL होती क्या है? दोस्तों, टेली में TDL को टेली डेफिनेशन लैंग्वेज कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म है टेली डेफिनेशन लैंग्वेज। और ये फाइल होती क्या है? दोस्तों, TDL होती है, उसकी मदद से टेली में हम उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके ऑप्शन होती है, और या फिर हमारी ज़रूरियात के हिसाब से उसमें नई फैसिलिटी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, TDL फाइल के अंदर एक प्रोग्रामिंग कोड लिखा हुआ होता है जो टेली समझ सकता है, और वो प्रोग्रामिंग कोड की मदद से हम टेली के अंदर जो फीचर अवेलेबल नहीं है वो फीचर हम ऐड कर सकते हैं, वो सुविधाएँ हम उसमें उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये थी TDL फाइल। दोस्तों, उसमें प्रोग्रामिंग किस तरह की होती है ये हमें समझना नहीं है, सिर्फ इतना ही समझना है कि TDL फाइल होती क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको अब टेली में ऑटोमेटिक बैकअप किस तरह से लेना है ये मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये मैंने टेली सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया है, ये हमारा लाइसेंस वर्जन नहीं है, इसलिए हम इसको एजुकेशन मोड में ओपन करेंगे। और एजुकेशन मोड को ओपन करने के लिए यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर उसकी जो शॉर्टकट की है Alt+W भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ Alt+W। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा टेली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, और डिफ़ॉल्ट जो कंपनी है वो सिलेक्ट है मिस्टर कोडिंग्स लिमिटेड। दोस्तों, यहाँ पे हमने सभी एंट्री शिवाजी इन्फोटेक में की है, तो हम यहाँ पर शिवाजी इन्फोटेक ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इस कंपनी को क्लोज करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है Alt+F1। यहाँ पर कंपनी इन्फो के अंदर सिलेक्ट कंपनी पे हम सिलेक्शन रख के एंटर की प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे जितनी भी हमने कंपनी बनाई है उसका लिस्ट आएगा, उसमें से हम शिवाजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जाके हम एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारी शिवाजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ओपन हो गई है। अब दोस्तों, हमें सीखना है ऑटो बैकअप। दोस्तों, टेली के कई वर्जन है जिसमें ऑटो बैकअप की फैसिलिटी इनबिल्ट होती है। तो उसमें आपको क्या करना है, कंपनी इन्फो में जाना है, यहाँ पे अल्टर पे जाना है, और अल्टर में जाके आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है, और फिर यहाँ पे ऑटो बैकअप का एक ऑप्शन आएगा जो आपको यस करना है। अगर आपकी टेली के वर्जन में ऑटो बैकअप का ऑप्शन अवेलेबल होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अगर दोस्तों आपके टेली में यहाँ पे ऑटो बैकअप का ऑप्शन नहीं है तो किस तरह से ऑटो बैकअप का ऑप्शन एनेबल करना है, ऐड करना है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बाहर निकल जाते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं और यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फाइल टेली के अंदर ऐड करनी है, उसको बोलते हैं TDL फाइल। दोस्तों, यहाँ पे मैं डी ड्राइव में चला जाता हूँ। दोस्तों, अब ऑटोमेटिक बैकअप के लिए करना क्या है, ये जो मेरी फाइल है बैकअप TDL उसकी डाउनलोड की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आपको उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाने के बाद उसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको सी ड्राइव में चले जाना है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टेली का जो फोल्डर होगा उस पर आपको चले जाना है, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, TDL फाइल को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन पूछेगा तो उसको कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे उसको आपको कॉपी कर देना है। दोस्तों, आप इस फाइल को कहीं पर भी रख सकते हैं, मगर हमने यहाँ पे सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर टेली के अंदर रखा है, क्योंकि ये फाइल गलती से डिलीट ना हो जाए। अगर ये फाइल गलती से डिलीट हो जाती है तो जो ऑटो बैकअप का ऑप्शन हम करेंगे वो बंद हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे जहाँ पे टेली इंस्टॉल हुआ है वहीं पे हम इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो फाइल है उस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में चले जाना है। प्रॉपर्टी में जाके उसमें यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करके उसका ये जो पूरा पाथ है वो आपको कॉपी कर लेना है। तो ये पूरा पाथ कॉपी हो गया।
फिर आपको दोस्तों टेली में चले जाना है। टेली में जाके दोस्तों आपको क्या करना है, आपको की प्रेस करनी है कंट्रोल अल्टर टी। दोस्तों यहाँ पे लिखा है वर्जन एंड अपडेट्स के लिए कंट्रोल अल्टर टी, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल अल्टर टी। दोस्तों कंट्रोल अल्टर टी प्रेस करने से आपका ये जो प्रोडक्ट एंड फीचर्स का विंडो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको मैनेज TDL पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है मैनेज TDL, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैनेज TDL पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा लोड TDL फाइल ऑन स्टार्टअप, उसको आपको यस करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों हमने जो पाथ कॉपी किया है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल अल्टर वी। आपको क्या करना है, वो जो हमने पाथ कॉपी किया है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्टर वी। फिर दोस्तों आपको एंटर की प्रेस करनी है और यहाँ पे लास्ट में जब एक्सेप्ट करने के लिए पूछे तब आपको वाई की प्रेस करके एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों ये हमारी TDL फाइल लोड हो गई। दोस्तों ये पाथ पे हमने TDL फाइल को रखा है, वो फाइल को आपको डिलीट नहीं करना है। अगर फाइल डिलीट हो जाएगी तो आपका जो ऑटो बैकअप का ऑप्शन है वो निकल जाएगा। आपको ये जो फाइल बैकअप TDL फाइल है उसको आपको डिलीट नहीं करना है। इतना करके हम एस्केप की प्रेस करके फिर से गेटवे ऑफ टेली में चले जाते हैं। दोस्तों अब हम टेली को क्लोज कर देते हैं। फिर से मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस करता हूँ और टेली को बंद करने के लिए पूछेंगे तब वाई की प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों मैं फिर से टेली शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं वर्क इन एजुकेशनल मोड सिलेक्ट कर लेता हूँ, अल्टर W, और जैसे ही मैं टेली ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है बैकअप कंपनी। दोस्तों हमारी डिफ़ॉल्ट कंपनी ओपन हो रही है मिस्टर कोडिंग्स लिमिटेड, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो कंपनी ओपन हो रही है उसको आपको बैकअप लेना है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे वाई की प्रेस करके यस कर लेता हूँ, मुझे बैकअप लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप कोई भी कंपनी ओपन करेंगे तब भी बैकअप के लिए पूछेगा, और जब भी आप कंपनी क्लोज करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे मैं कंपनी क्लोज कर रहा हूँ, कंपनी क्लोज करने का ऑप्शन है, मैं की प्रेस कर रहा हूँ अल्टर F1। तो जब भी मैं कंपनी क्लोज करूँगा तब भी टेली पूछेगा अगर आपको इस कंपनी का बैकअप लेना है कि नहीं। तो फिर से मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया ऑटो बैकअप। दोस्तों फिर से मैं दूसरी कंपनी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे जाके एंटर की प्रेस करूँगा, और अभी तक की जो हमने एंट्री की है शिवाजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड उसको सिलेक्ट करके जब मैं एंटर की प्रेस करूँगा तब ओपन होने से पहले टेली हमें पूछेगा ये जो कंपनी ओपन हो रही है उसको उसका आपको बैकअप लेना है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं वाई की प्रेस करके एक्सेप्ट करूँगा, तो इसका ऑटो बैकअप हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑटो बैकअप कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑटो बैकअप कहाँ पे होगा, तो ये ऑटो बैकअप दिस PC और माय कंप्यूटर में जो डी ड्राइव रहेगी उसमें ऑटो बैकअप का फोल्डर, वहाँ पे आपका ये ऑटो बैकअप क्रिएट होगा। तो ऑटो बैकअप के फोल्डर के अंदर हम चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे डेट दिखाएगा कौन सी डेट में आपने बैकअप लिया है, और डेट के अंदर आपको ये फोल्डर रहेगा। दोस्तों ये फोल्डर का नेम आपने जिस टाइम पे बैकअप लिया हुआ होगा उस तरह से होगा। दोस्तों यहाँ पे टाइम 7:04 हुए है, तो उसका नेम भी इस तरह से हुआ है 0704। दूसरा बैकअप हमने जब लिया था वो था 7:05, तो यहाँ पे उसका नेम उस तरह से होगा। तो जिस टाइम पे आपने बैकअप लिया हुआ होगा उस हिसाब से इसका नाम होगा। तो दोस्तों अभी हम ये फोल्डर में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बैकअप दिखेगा जिसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये फाइल किस कंपनी के है वो आपको इस नंबर की मदद से पता चलेगा। दोस्तों ये 10,000 है, मतलब जो हमने मिस्टर कोडिंग कंपनी बनाई थी उसका नंबर था 10,000। अब हम बाहर निकल जाते हैं और दूसरा जो फोल्डर है उसमें चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो फाइल है, तो एक है 10,000 और दूसरा 10,001। तो 10,001 है वो शिवाजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का कोड है। यहाँ पे दो अलग अलग कंपनी का बैकअप हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑटो बैकअप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये ऑटो बैकअप डी ड्राइव में आ रहा है उसका पाथ चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर में चले जाना है। कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पे जनरल ऑप्शन है, वहाँ पे आपको एंटर की प्रेस करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों अब ऑप्शन आ गए हैं ऑटो बैकअप का, वहाँ पे अभी दिखा रहा है D/ऑटो बैकअप, तो आप वहाँ पे फोल्डर का पाथ चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके टेली में ऑटो बैकअप का ऑप्शन नहीं है तो आप उसमें TDL की फाइल की मदद से
ऑटो बैकअप का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। दोस्तों टेली के बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो वो हमें नीचे कमेंट में बताइए, जिसका सॉल्यूशन हम आपको ज़रूर से देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।